Hello student, today we see the problem which is based on power, okay, amplitude modulation, power, okay. So see the problem, that is a 10 kilowatt carrier wave is amplitude modulated at 80% depth of modulation by sinusoidal modulation signal. Calculate the signal band power, total power and transmission efficiency of the amplitude modulation wave. Okay, तो ये जो प्रॉब्लम है आपका प्रीवियस लेक्चर में जो भी हम लोगों ने फॉर्मूलेज देखे हैं, डेरिवेशंस देखे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है. ओके, सो सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके, सी द गिवन इज दैट PC इज इक्वल्स टू, दैट इज कैरियर पावर इज 10 किलोवाट एंड मॉडुलेशन इंडेक्स क्या दिया अपने को, 80% दिया है. परसेंट ऑफ मॉडुलेशन इट इज 80%. और निकालना क्या है आपको, देखो, टू फाइंड PLSB, PUSB, टोटल पावर और ट्रांसमिशन इफिशेंसी. ओके, सो फर्स्टली हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला आपको पता है PLSB और PUSB का क्या है, दैट इज m² / 4 × कैरियर पावर. ओके, m² PC ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज 10 किलोवाट. तो यहाँ पे देखो, परसेंट ऑफ मॉडुलेशन का पहले आपको मॉडुलेशन इंडेक्स में कन्वर्ट करना है. तो क्या होगा, अगर परसेंट ऑफ मॉडुलेशन 80 है तो सिंगल मींस मॉडुलेशन इंडेक्स क्या रहेगा, 80/100. ओके, 80% है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 80/100. तो क्या आएगा आपका, 0.8. तो मॉडुलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा पहले, 0.8. ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला है अपना साइड बैंड पावर, मीन्स PLSB PUSB, उसको ही बोलते हैं. ओके, m² / 4 PC. तो क्या करेंगे, m कितना है आपका, 0.8 है जो निकाला है, इंटू 4, इंटू PC कितना है, 10 किलो वैट. ओके, उसके बाद में ओके, सो सी क्या होगा फिर, 0.8 का स्क्वायर क्या रहेगा, 0.64 इंटू ये कितना है अपना, 10 किलो वैट अपॉन 4. ओके, सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 6.4 upon 4. तो इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज 1.6. इसका यूनिट क्या रहेगा, किलो वैट. ओके, सो साइड बैंड पावर क्या रहेंगे अपना, PLSB = PUSB = 1.6 किलो वैट. ओके, सो नेक्स्ट है टोटल पावर. ऑलरेडी हम लोगों ने टोटल पावर का जो है फॉर्मूला देखा है, दैट इज द टोटल पावर इज इक्वल्स टू कैरियर पावर प्लस PLSB + PUSB. ओके, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे. ऑलरेडी आपको पता है कैरियर पावर दिया है 10 किलो वैट. ओके, और जो भी हम लोगों ने अभी निकाला है PLSB और PUSB, वो क्या है, 1.6 1.6. इन सब के एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज द 13.2 किलो वैट. ओके, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा आपका, इट इज 13.2 किलो वैट. ओके, ओके, उसके बाद में निकालना है आपको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी. उसका फॉर्मूला है, देखो, ऑलरेडी देखा है हम लोगों ने, दैट इज m² / 2 + m². ओके, इसमें हम लोग अभी मॉडुलेशन इंडेक्स का जो भी वैल्यू है वो पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का. किसी हम लोगों ने अभी मॉडुलेशन इंडेक्स का वैल्यू डाल दिया, कितना है, 0.8. ओके, इंटू अभी परसेंट ऑफ मॉडुलेशन निकालना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा. सो अभी ये कितना हो जाएगा, 0.64. ओके, फिर बाद में क्या करेंगे, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, क्या होंगे, 2.64. अभी क्या होगा, जो भी इसका डिवीजन है, ओके, वो कर लेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 0.2424 इंटू 100. तो आंसर कितना आएगा आपका, परसेंट ऑफ मॉडुलेशन कितने रहेंगे, 24.24%. ओके, जो भी परसेंट ऑफ मॉडुलेशन, सॉरी, परसेंट ऑफ ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी, 24.24. ओके,
सो इन दिस वे वी सॉल्व द प्रॉब्लम एंड ये भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आता है, मीन्स आने की संभावना है क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम भी एग्जाम में जो है आपको बहुत बार पूछते हैं. ओके सो थैंक यू.